हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अन्वेषा पैशन। दोज़ हु डोंट नो मी, लेट मी टेल यू ऑल, मैं हूँ अन्वेषा। वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही यमी बनता है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट बना लेते हैं वेज बिरयानी। वेज बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए ये बासमती राइस, आप देख सकते हो, और इसे मैं अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन करके रखी हूँ। इसे भिगो के रखने की, पानी में भिगो के रखने की कोई जरूरत नहीं। और हमें सब्जी में चाहिए, मैं यहाँ पे लिया हूँ आलू, ये है बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम, कुछ ग्रीन पीस है, और सब्जी के अंदर मैं लिया हूँ कैबेज। कैबेज ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालना, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो इधर मैं ले लिया हूँ बेरिस्ता, पहले से ही मैं ऑनियन को फ्राई करके इसका बेरिस्ता बना लिया हूँ। और हमें चाहिए इधर है धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, और मैं लिया हूँ इधर कर्ड, कर्ड को अच्छे से फेंट लिया हूँ, और इधर हाफ लेमन का स्लाइस है, ऑनियंस चॉप्ड, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक ग्रेट करके लिया हूँ, सॉल्ट, घी, इधर मैं दूध में केसर डाल के रखी हूँ। और स्पाइसेस में हमें चाहिए इधर है थोड़ा सा शक्कर, ये है बिरयानी मसाला, मैं एवरेस्ट का बिरयानी मसाला यूज किया हूँ, तो ये थोड़ा ज्यादा करके हमें चाहिए, थोड़ा सा गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा एंड धनिया पाउडर में मिक्स करके यूज करने वाली हूँ, थोड़ा सा हल्दी, और इधर है खरे गरम मसाला जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी और एक तेजपत्ता, थोड़ा सा जीरा, बस यही चाहिए हमें वेज बिरयानी बनाने के लिए। तो अभी मैं राइस बना लूंगी, इसलिए पैन ले लिया हूँ, इसमें मैं इनफ पानी डाल दिया हूँ। अभी इसमें डालूंगी सॉल्ट, तो सॉल्ट हमें थोड़ा सा ज्यादा करके स्टेज में डालना है, क्योंकि बाद में सॉल्ट डालने का और कोई स्टेज नहीं है, ताकि पूरा जो पानी है ये अच्छे से सॉल्टी हो जाए। तो मैं सॉल्ट डाल दिया हूँ, अभी इसके अंदर डाल दूंगी राइस। चावल तो मैं डाल दिया हूँ, अभी इसके अंदर जो खड़े गरम मसाला है ये डाल दूंगी, जीरा, फिर पेपर, होल पेपर, फिर जो जो है इलायची, दालचीनी, और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी एक चम्मच घी। घी जरूर डालना है इसमें। तो उधर मेरा राइस बन रहा है और इधर मैं मसाला जो है इसके लिए बना लूंगी। तो ऑयल में डाल दिया हूँ कढ़ाई में, अभी इसमें डाल दूंगी मेरा जो ऑनियन है, चॉप किया हुआ ऑनियन, और इसे हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना। तो ऑनियन मेरा ट्रांसलूसेंट हो चुका है, अभी मैं इस स्टेज में डाल दूंगी तो ग्रीन चिली, स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली, और उसके साथ ही जिंजर गार्लिक, ये ग्रेटेड जिंजर गार्लिक है, आप चाहो तो इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हो। अभी इन चीजों को हमें अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि ये कच्चा जिंजर गार्लिक का स्मेल चला जाए। तो जिंजर गार्लिक मेरा अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी मैं एक एक करके जो भी सब्जी है मैं डाल दूंगी, आलू, फिर बीन्स, गाजर, कैप्सिकम, और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी जो कैबेज है और ग्रीन पीस, सब मैं डाल दूंगी, और इसके साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। अभी इन सारे चीज को हमें अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक ना आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो भी सब्जी है अच्छे से पक जाए। तो अभी आप देख सकते हो चावल मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ये ज्यादा हमें कुक नहीं करना है, बस 80-85% ही कुक करना है। तो ये अभी 2 मिनट के लिए होगा, फिर मैं इसको स्ट्रेन करके आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो स्पाइसेस है ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा हल्दी, जीरा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला,
और बिरयानी मसाला मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी, और इसके साथ ही मैं ये जो शुगर है ये भी डाल दूंगी। अब इन सारे चीज को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चावल को मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लिया हूँ, आप देख सकते हो, और इसको स्ट्रेनर के अंदर रखी हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। अभी मैं थोड़ा सा घी लेके चावल में अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि घी का फ्लेवर पूरी चावल में आ जाए अच्छे से। तो मैं सब्जी को थोड़ा सा ढक के कुक कर रही थी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो ये हो गया है, अभी फिर से ये दम में होगा। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी ये फेटा हुआ दही। दही को आप अच्छे से फेंट लेना, और इस स्टेज में मैं एकदम मेरा जो फ्लेम है इसको लो कर दूंगी, नहीं तो दही फट सकता है। आप चाहो तो फ्लेम ऑफ भी कर सकते हो। तो मैं पूरा दही डाल दिया हूँ, अभी इसको अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स कर लूंगी। फ्लेम एकदम लो में है मेरा, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी जो बिरयानी मसाला है, बिरयानी मसाला डाल दूंगी, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करके मैं 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करूंगी। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता और बस थोड़ा सा पुदीना पत्ता, और बाकी मैं रख दूंगी गार्निशिंग के टाइम मुझे लगेगा। तो सब्जी मेरा एकदम डन है, आप देख सकते हो। और अभी मैं जिस पैन में बिरयानी को दम में बिठाने वाली हूँ उसमें पहला लेयर में डालूंगी सब्जी का। तो ये बिरयानी बनाने का फाइनल स्टेप है, यानी कि लेयरिंग। तो मैं पहले सब्जी डाल रही हूँ, उसके बाद मैं डाल दूंगी मेरा जो चावल है, थोड़ा सा चावल डाल दूंगी। और आप देख सकते हो चावल के ऊपर जो खरे गरम मसाला था वो मैं निकाल दिया हूँ, क्योंकि वो मुँह में आने से अच्छा नहीं लगता। आप चाहो तो वो रख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा सब्जी के ऊपर चावल ऐड कर दिया हूँ। अभी मैं इसके ऊपर डालूंगी मेरा जो बेरिस्ता है, थोड़ा सा बेरिस्ता। फिर मैं डालूंगी ये केसर मिक्स हुआ दूध, तो ये 2-3 स्पून मैं डाल दूंगी केसर मिक्स हुआ दूध। फिर मैं इसके बाद डालूंगी थोड़ा सा धनिया और पुदीने का पत्ते। फिर मैं इसके ऊपर और एक सब्जी का लेयर दूंगी, और ऐसे ही मैं फिर से जो भी है ऊपर डाल दूंगी और एक लेयर इसका बना लूंगी। फिर मैं चावल डाल दूंगी और इसका और एक लेयर हमें बना लेना है। तो अभी फाइनली मेरा जो चावल था मैं पूरा इसके ऊपर डाल दूंगी, पूरा चावल मैंने डाल दिया, आप देख सकते हो। और अभी मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा मेरा जो बेरिस्ता था, वो पूरा ही मैं बेरिस्ता डाल दूंगी इसके अंदर। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा धनिया और पुदीने का पत्ते, तो धनिया पुदीना पत्ता मैंने ऐड कर दिया। और अभी मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा केसर मिक्स हुआ दूध, तो ये मैं ऐड कर दिया हूँ। अभी डालूंगी 1/2 लेमन का जूस, ये जरूर डालना है आपको। और लेमन जूस डाल के हमें इसको दम में बिछाना है, तो अभी मैं इसे दम में बिठा दूंगी। तो बिरयानी को मैं अभी दम में बिठा दिया हूँ, इसका लीड लगा दिया हूँ, और फ्लेम को एकदम धीमी करना है आपको, एकदम धीमी फ्लेम में रखना है, और इसे अभी 30-35 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम में कुक करना है। तो उसके बाद मेरा बिरयानी एकदम तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसको प्लेट आउट करके आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो चुका है, अभी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये लीड निकाल के अभी देखती हूँ। ओए होए, इसका जो स्मेल आ रहा है ना, मतलब क्या बताऊं। तो ये एकदम तैयार है, आप देख सकते हो, चावल भी एकदम खिला खिला है, बिल्कुल भी चिपके नहीं है। तो अभी मैं इसको एकदम फाइनल प्लेट आउट करके आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हो भेज बिरयानी मेरा बनके तैयार है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। और इसमें गाइस पुदीना पत्ता जरूर ऐड करना, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आते हैं। तो ये रेसिपी आप घर पे मास्ट ट्राई करना, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। और इस रेसिपी को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।
मैं जरूर रिप्लाई दे दूंगी और ये रेसिपी मस्ट ट्राई है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए देन आपको तो पता ही है क्या करना पड़ेगा, प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आगे जाके ऐसे और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज ला सकूं आपके लिए मेरे चैनल पे। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, अदरवाइज यू कैन मिस माई न्यू वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।